नमस्कार, मैं सौरभ, आप सभी का स्वागत करता हूं एशियन न्यूज इंडिया में। जैसा कि आपको जानकारी है कि कल वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने भारी मतों से विजय प्राप्त की है एवं भाजपा एवं अन्य पार्टी को भारी शिकस्त दी है। तो इसी बीच हम अभी मौजूद है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के रांची महानगर के प्रदेश कार्यालय में। चलिए, हम मौजूद माननीयों से बात करता हूँ। सर, आपका स्वागत है एशियन न्यूज इंडिया में। कल जो भारी मतों से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की वेस्ट बंगाल में विजय प्राप्त हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम वेस्ट बंगाल की जनता को और वहाँ के लोगों को, साथ में हमारे नेत्री ममता बनर्जी को हम धन्यवाद देंगे और बधाई देंगे, और वहाँ के कार्यकर्ता जो TMC के हैं उनको धन्यवाद देंगे कि उनके मेहनत से और उनके लगन से ये हम लोगों ने भारी बहुमत से विजय प्राप्त की है। और वहाँ जो भी हम लोगों ने काम किया है, तृणमूल कांग्रेस में काम किया है, वो हमको देखने को मिला है। सर, बहुत पार्टियों का ये कहना है कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो कुछ दिन पहले तक EVM पर बोल रही थी कि इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन ले, बैलेट पेपर से कराया जाए, और जब अभी चुनाव जीत गई तो उन लोगों का कहना है, भाजपा खासकर, कि अभी क्या हुआ, अभी EVM पर नहीं रोना है। तो इस वाक्य पे रांची महानगर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस क्या कहना चाहती है उन सभी नेताओं? ये कटु सच है कि EVM पर जो है सभी पार्टियों ने उंगली उठाया और पिछले दिनों में इस पर चर्चा जरूर हुई है, और अभी भी हम लोग यही चाहते हैं कि इस देश में, पूरे देश का जो इलेक्शन हो, बैलेट पेपर ही पर हो। आज की परिस्थिति जो भी है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस विजय पाया, इसलिए भर हम उस पर उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम आगे भी कहेंगे कि ये EVM को हटा करके देश में जो है बैलेट पेपर पर ही जो है इलेक्शन हो। सर, जो शुभेंदु अधिकारी ने विजय प्राप्त की, उसके बाद उनके गाड़ी पर हमला हुआ है, तो इस पर भी बहुत सारे राजनीतिक दलों का विचार आया है कि ये हिंसा वाली राजनीति ममता बनर्जी कर रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये बात आपको देखना होगा कि जितने भी TV चैनल्स है, जब ये काउंटिंग हो रही थी, उस दरमियान जब लास्ट जो काउंटिंग राउंड था, उसके समय में उन्होंने दिखाया कि ममता बनर्जी 1200 वोटों से विजय पाई, और ये TV चैनल के न्यूज़ को सुनकर देश के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि भाजपा के नेता भी, उन्होंने उनको बधाई दी। और जब ये बातें लोगों ने सुना, कई घंटों तक ये चलता रहा कि ममता बनर्जी विजय पा ली है, शुभेंदु को जो है अधिकारी को हरा दी है, लेकिन ये अचानक जो है, जब बाद में जब उनकी जो है जीत की जो घोषणा होती है, ऐसे में जन आक्रोश का होना ये उचित था। इसलिए कि अगर हमारी पार्टी नहीं, आज तृणमूल के लोग नहीं, अगर किसी भी पार्टी के लोग अगर इस सूचना को सुनते तो इलेक्शन कमिश्नर का जो भी स्टेटमेंट था, उसको भी अगर आप मद्देनज़र देखिएगा, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी इस बातों को देख कर कि अचानक आप जो है रिजल्ट को जो है ट्विस्ट कर देते हैं, या रिजल्ट को आप दिखाए गए रिजल्ट को आप चेंज कर देते हैं, तो जन आक्रोश हो सकता है। लेकिन इसमें हमारी मंशा किसी भी तरह से गलत नहीं था, लेकिन ये आवाम है, कार्यकर्ता है, उनके गुस्से को रोका नहीं जा सकता है, और उन्होंने इस तरह की अगर कदम उठाया है तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हमारे बीच मौजूद है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस रांची महानगर के दयानंद प्रसाद सिंह। चलिए, इनसे जानते हैं कि जो कल भाजपा के जो कार्यालय में आगजनी हुआ है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उन विपक्षी नेताओं, जो कि लगातार इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि हुगली में जो स्थित है भाजपा का कार्यालय, इस पर आगजनी किया है TMC के नेताओं ने, एवं हिंसा हो रही है जब से ममता जी कल जीती? हम लोग अभी आपके साथ झारखंड प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं। यह मामला झारखंड की नहीं है, यह घटना बंगाल की है, लेकिन यह जो भी घटना वहाँ बंगाल में घटी है, आगजनी घटी है, ये हम लोग कल TV में भी देखा,
और यह दुखद घटना है। लेकिन परिस्थितियां वहां क्या है, क्या सच्चाई है, यह तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कुछ दिन पहले आप लोग प्रचार और प्रसार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के साथ क्या घटना घटी थी, नहीं घटी थी, नड्डा साहब ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने हमला किया हमारे गाड़ी पर और क्षति हुई गाड़ी का। लेकिन दीदी का बयान आया कि नहीं, ये सुनियोजित राजनीति है, ये बीजेपी का राजनीति है और इससे तृणमूल कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। नड्डा साहब के साथ उनके सुरक्षा में सीआरपी, बीएसएफ और सारा फौज लगा हुआ है, तो तृणमूल कांग्रेस कैसे हमला कर दिया। तो ये घटना बंगाल की घटना है और उसी परिप्रेक्ष्य में झारखंड के बीजेपी के लोग प्रदेश कार्यालय यहाँ आ गए, हम लोगों के कार्यालय में घुस गए 40 की संख्या में। मैंने कहा ये घटना है कलकत्ता की, हावड़ा की घटना है, बीजेपी के लोग प्रदेश कार्यालय यहाँ आ गए, हम लोगों के कार्यालय में घुस गए 40 की संख्या में। मैंने कहा ये घटना है कलकत्ता की, हावड़ा की घटना है, और वहाँ के बारे में आपको कैसे जानकारी हुई, आप कैसे आए, आपको किसने अनुमति दिया है, आपने एसडीओ से परमिशन लिया है, आप अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से कुछ अनुमति लिया है, लिया है तो अनुमति का पेपर दिखाइए कि अनुमति लेकर के आए हैं। आप ये प्रदेश हमारे कार्यालय में घुस गए, किसने आपको इजाज़त दे दिया घुसने के लिए। अगर सार्वजनिक जगह पर आप घुसते थे एक बात था, ये तो निजी कार्यालय हो गया। तो ये घटना बंगाल की है, उस घटना को हम लोग क्या सच है क्या गलत है, तृणमूल कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि नहीं, यह हम तृणमूल कांग्रेस के लोगों का हाथ नहीं है, और बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि नहीं तृणमूल कांग्रेस के, तो यह दोषारोपण तो ये तो पार्टी की बात है। इसमें तो मैं विशेष रांची से तो कुछ विशेष बात नहीं बता सकता हूँ। आज जैसे कि आपने कहा कि भाजपा रांची महानगर प्रदेश के कुछ कार्यकर्ता आए थे, तो उनका क्या कहना, वो क्यों आए थे अचानक से प्रदेश? नड्डा साहब के साथ तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने हमला किया है, तब हमने कहा कि भाई घटना कलकत्ता की है, हावड़ा की घटना है, इसके बारे में विशेष क्या बता सकते हैं। आप भी टीवी देखे होंगे, मैं भी टीवी देखा हूँ, टीवी तो जरूर देखा हमने, पेपर में भी पढ़ा, लेकिन आप किसको अनुमति लेकर के आप यहाँ हमारे प्रदेश कार्यालय में आए हैं, नहीं आपको गुलाब का फूल देने आए हैं। हमका इस सौभाग्य की बात है भाई कि कलकत्ता में घटना घट रही है, हमको आप फूल देने आ रहे हैं। लेकिन आप लोग गलत काम किया है, आप अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात कराइए और एसडीओ से बात कर लिया है, पर एसडीओ से परमिशन लिया है, नहीं लिए हैं, हम कहीं गलत नहीं करके आप चले आए हैं, गलत करने आए हैं आप। हम लोग उनको समझा बुझा करके यहाँ से भेजा और समझ भी गए वो लोग, हम कहा कि नहीं गलत आप लोगों ने निर्णय लिया है, चले आए हो। सर आपका स्वागत है सर इंडिया में। रांची में हम अगर हम बात करें तो बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के साथ साथ कालाबाजारी भी बहुत बढ़ रही है, तो इस पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस रांची महानगर क्या रुख रख रही है, सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग सरकार से क्या यही कहना चाहते हैं, भाई ये तो बहुत बड़ा महामारी है, यहाँ तो जब जान का खतरा है और कुछ लोग जब कालाबाजारी कर रहे हैं, तो कालाबाजारी जो कर रहे हैं वो अगर पकड़ाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। सरकार का काम है कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए, और ये तो बहुत बड़ा जुर्म है कि भाई ये दवा या कोई चीज़ कालाबाजारी जो हो रहा है।